और ये जो अभी सना ने तलावत की थी, ये मेरा मरकजी हवाला है आज का, जिसमें कुछ यूं लिखा है कि वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उसे कहा, ऐ मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फर्ज हुआ है। आमीन। आज का हमारा मजमून है गॉड्स ग्रेस, यानी खुदामन का फजल। और जब मैं फजल पर गौर कर रही थी तो मैंने इसको दो हिस्सों में बांटा, गॉड्स ग्रेस या खुदामन का जो फजल है वो किस तरह से हमारी जिंदगियों में काम करता है, या किस तरह से हम पर खुदा का फजल है। अगर हम फजल को लफ्जी तौर पर देखें तो उसका मतलब है जिस चीज के हम मुस्तहिक नहीं होते वो हम पर होता है, यानी कि जिसके हम हकदार नहीं होते, या खुदा की ये खास फेवर होती है हम पे। फजल का मतलब ये है। तो जब फजल को हम दो हिस्सों में देखते हैं तो एक है आम फजल और एक है खास फजल। आम फजल जो है वो हम देखते हैं कि वो तो पूरी दुनिया पर है, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावन जो है वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है, और अपना मेघ यानी कि बारिश जो है वो भी नेकों और बदों दोनों पर बरसाता है। यानी कि खुदावन खुदा कोई लिहाज नहीं रखता, बल्कि उसका जो आम फजल है वो पूरी दुनिया पर है। वो चाहे ऑक्सीजन की सूरत में, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस पूरी दुनिया, हर बल्कि हर एक जानदार जिसमें जान है, चाहे वो दरख्त हो, पेड़ पौधे हों, परिंदे हों, चरिंद हो, दरिंदे हों, इंसान हो, का कोई भी मखलूक क्यों ना हो, वो जान रखती है और वो सांस ले रही है, सो ऑक्सीजन उनको फ्री मिल रहा है। ये खुदा का फजल है। तो ये आम फजल जो है ये पूरी दुनिया पर है, पूरी कायनात पर है। अब आ जाए जरा खास फजल पर। अब ये खास फजल क्या है? खास फजल खुदावंद अपने खास लोगों पर करता है। और मैं इसके लिए देख रही थी कि अगर हम पुराने अहदनामा में ही देख लें तो सबसे पहले जो खास फजल किया गया वो अब्राहम पर था। अब्राहम को उस शहर में से चुना गया और खुदावंद ने उसको कहा कि तू अपने नातेदारों को, रिश्तेदारों को छोड़, और जो जगह मैं तुझे बताऊंगा तूने उस तरफ चलना है, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और ये था खास फसल। और उसी में से देखते हैं हम अब्राहम जब खुदावन के हुक्म को मानकर चल पड़ा तो खुदावन ने अपना खास रहम, खास फजल उस पे किया, और खुदावन उसको निकाल कर मुल्के मौदा की तरफ, वादे की सरजमीन की तरफ ले आया, और खुदावन ने उसको वहां पे औलाद बख्शी। गो के औलादे वाले का जो फर्जन था वो बहुत लेट और बहुत इंतजार के बाद उसको दिया गया। जबकि हम सारा की हालत को भी देखते हैं, जब फरिश्ते उनको खुशखबरी सुनाते हैं कि भी आने वाले बहार के वक्त में तुम बेटा तुम्हारे होगा, तो वो थोड़ा सा उस बात को लेके मतलब कहती कि क्या अब भी मेरी तो हालत नहीं है ऐसी कि मैं बेटा पैदा कर सकूं या बच्चे जनूं, तो अब कैसे हो सकता है। लेकिन खुदावंद ने कहा कि ये होगा और मेरी कुदरत से होगा, और तो ये बेटा यानी कि वादे का फर्जन जो है वो तुम्हें दिया जाएगा। सो हम देखते हैं कि इजहाक, इजहाक के बाद पर याकूब, और हम याकूब की जिंदगी को सब अच्छे से जानते हैं कि याकूब किस तरह से अपने बाप के घर को छोड़ता है और वो अपने मामू के घर में रहता है। तो वहां हम देखते हैं गोग के उसके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी और ज्यादती होती है, लेकिन फिर भी खुदावन का फजल उसके साथ साथ था। और जब यमान में वो दुआ करता है, रात को लेटता है, तो वो जब खुदावन उसे ख्वाब में दिखाई देते हैं तो वो कहता है, वो डर जाता है, वो घबरा जाता है, कहते ये कैसी जगह है, मुझे मालूम ना था कि खुदावन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन खुदावन का फजल क्योंकि उसके साथ था, खुदा बाप उसके साथ साथ था, खुदावन ने उसको नहीं छोड़ा था, इसलिए वो उसकी रहनुमाई और राहबरी करता रहा। और हम देखते हैं कि याकूब से 12 बेटे पैदा हुए, और 12 बेटों में से यहूदा को चुना गया, और यहूदा के कबीले पर खास फजल हुआ। हम देखते हैं कि जब बनी इसराइल मुल्के मिस्र से
निकले तो कबीला के हिसाब से उनको एक एक निशान अता किया जाता गया और हर एक कबीले का एक निशान था और यहूदा का जो निशान था या उसका जो झंडा था वो शेर बब्बर का था। तो यहूदा के कबीले पर खास फजल किया गया और यहूदा के कबीले में से ही हमें यीशु नासरी मसीह आते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब यसी से दाऊद बादशाह बना, अगर हम दाऊद की जिंदगी पर गौर करें तो उसके जो भाई थे सब बहुत खूबसूरत लंबे जंगजू आदमी, फौज में आर्मी में भर्ती थे, जंग लड़ने वाले दलेर आदमी थे। लेकिन जब सौल नबी जाता है, सैमुअल नबी जब जाता है उसको मसा करने के लिए यसी के पास के भाई, खुदावन ने मुझे भेजा है कि मैं तेरे बेटे को मसा करूं बादशाहत के लिए, तो तू अपने बेटे को बुला। तो वो सबसे पहले अपने उन्हीं बच्चों को बुलाता है जो जरा बड़े तगड़े और बड़े महारत रखते हैं, तो वो एक एक करके लेके आता है। तो सैमुअल नबी कहता है कि नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो जब वो सारे बेटों को एक एक करके लाता है तो कहता है क्या ये तेरे यही बेटे हैं? वो कहता है नहीं, एक है जो भेड़ों को चुराता है। और मेरी अजीजों, मैं आज ही भेड़ों और चरवाहे के ताल्लुक पर गौर कर रही थी कि भेड़ और चरवाहे का क्या ताल्लुक है। आप सब जानते होंगे जो लोग गांव के हैं कि भेड़ से एक खास तरह की स्मेल आती है, जो कि हमारे शहरी लोग हैं या जो परफ्यूम लगाने वाले हैं वो तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। सॉरी टू से उनसे वो स्मेल जो है या भेड़ की वो जो खुशबू है वो बर्दाश्त नहीं होती, और वहां से वो या तो नाक पे हाथ रख लेते हैं या वहां से भागने की कोशिश करते हैं। सो ये इफेक्ट है। तो जब मैं चरवाहे और भेड़ के ताल्लुक पर गौर कर रही थी तो मैंने कहा चरवाहा जो है उसके कपड़ों से भी वही स्मेल आती है जो भेड़ से आती है। और हम चरवाहे को जब वो हमारे पास बैठते हैं या आते हैं हमारे पास, तो शायद हमें भी वो स्मेल या वो जो खुशबू होती है वो बर्दाश्त नहीं हो पाती। जिस तरह भेड़ की नहीं बर्दाश्त हम कर पाते, इस तरह चरवाहे की जो कपड़ों से खुशबू आती है या उसकी बॉडी में जो रच बस जाता है वो भेड़ की खास खुशबू, वो भी आम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। तो मेरे अजीजो, चरवाहा बनना कोई आसान काम नहीं है, और अच्छा चरवाहा वही है जो अपनी भेड़ की, अपने गले की खुशबू को, उसकी स्मेल को अपने अंदर लेता है और अपनी जान देकर अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। और भेड़ और चरवाहा हमें एक ही स्टेज पर एक जैसे नजर आते हैं। तो खैर मैं गौर कर रही थी, उसने कहा यसी ने कि हाँ मेरा एक बेटा है वो तो भेड़ों को चुराता है, अच्छा बुला जरा उसे। और जब उसे बुलाया गया दाऊद नबी को, तो खुदावंद के बंदा ने कहा कि यही है जिसे खुदावंद ने पसंद किया है। और आगे चल के हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद कहता है कि मेरे दिल के मुआफिक बंदा मिल गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि सुलेमान जो है वो बादशाहत के लिए चुना गया और खुदावंद ने ये हुक्म सादर फरमा दिया कि इस बादशाही का आखिर ना होगा। और उसी नस्ल से फिर हमें यूसुफ और मरियम जो है वो नजर आते हैं, और यीशु मसीह की पैदाइश भी इसी तरह हुई कि जब मरियम के पास फरिश्ता आया। और ये जो आयात अभी हमने तलावत की है इसमें हमने देखा कि वो इस कलाम से इस जो भी सलाम उसको किया गया उससे घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, कहती है कि ये कैसा सलाम है और ये क्या मखलूक है जो मेरे पास आ गई, क्योंकि आम इंसान जो है वो फरिश्तों को नहीं जानते। और जब फरिश्ता उस कमरे में उस जगह पे उसके पास आया तो वो घबरा जाती है, वो डर जाती है, और जब वो सलाम उसको पेश करता है तो वो तो और भी घबरा जाती है, कहती कि ये कैसा सलाम है, मैं नहीं जानती। वो कहता है नहीं, रूह कुछ जो है वो तुझ पर साया डालेगी और खुदावंद का फजल जो है वो तुझ पर होगा। खुदावंद का खास फजल मरियम पर हुआ और मरियम को चुना गया ताकि वो खुदावंद के मंसूबा को, यानी कि खुदावंद के जो प्लान में था, जो बागे अदन से मंसूबा शुरू हुआ था, वो पूरा करे और उसका हिस्सा मुकद्दसा मरियम जो है वो बनी। और आगे चल के हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम ने कहा, देख मैं मर्द को नहीं जानती लेकिन जो कुछ तूने कहा है तेरे कॉल के मुआफिक हो। कितनी फरमाबरदारी है, कितनी ताबेदारी है। क्या आज हम इतने ताबेदार हैं? हम फजल तो बहुत मांगते हैं, गो के हम पे है, आम है फजल खुदा का, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आम फजल सब पे है। तो आम
जानकारी दिखाती है खुदावंद को। आप यकीन करें, मैं अपनी बात करूंगी, मैं किसी की नहीं करती, और यकीनन जैसी मैं सब ऐसे ही होंगे कि हम खुदावंद से मांगते हैं लेकिन अपने मंसूबों के तहत, हम खुदावंद की मर्जी को नहीं जानते। मैं कहती हूँ अच्छा खुदावंद, ये मैंने फाइल तेरे आगे रख दी, अच्छा मेरे बेटे को जॉब दे दे, मेरे गाड़ी एक दे दे, मेरे घर में राशन होना चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े मिलने चाहिए, मैं अपने बहन भाइयों की अच्छे से मदद कर सकूं, मैं अपने घर की अच्छे से पालना कर सकूं। खुदावंद तो मेरे बेटों की, मेरे बच्चों की मदद करना, स्टडीज में मदद करना, तो हमारे रोजगार, मतलब इस तरह की ये दुआएं हम सबकी होती हैं, और हम एक लिस्ट जो है खुदावंद के आगे रख देते हैं, अपनी फाइल खोल के खुदावंद के आगे रख देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये भी सोचा कि खुदावंद तेरी मर्जी क्या है? क्या तू चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो? खुदावंद यकीनन चाहता है, लेकिन फिर भी कि खुदावंद क्या मैं भी खुदा को ये मंजूर हो क्या हम बस पे सफर करें? ये भी हो सकता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अगर चरनी में आ सकता है, क्या उसके लिए महलों में जगह नहीं थी? थी, यकीनन। वो जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, उसके लिए कोई महल, आलीशान महल क्यों नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन ये खुदा का मंसूबा था कि वो चरनी में जन्म ले, वो उस जगह पे जन्म ले जहां से आज भी हम नाक पे रुमाल रख के गुजरते हैं, यानी कि भेड़, जहां पे भेड़े हैं, जहां पे चरवाहे हैं, अस्तबल में उसने जन्म लिया, चरनी में उसने जन्म लिया, जो जानवरों की जगह। सो मरियम ने यहाँ पे कहा कि खुदावंद की मैं बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के माफी को, मैं तेरी रजा में राजी हूं ऐ खुदावंद गो, कि ये बहुत मुश्किल बात है। हम सब जो औरतें हैं या मर्द भी हमारे इस मुआशरे का हिस्सा हैं, हम सब जानते हैं कि एक कमारी लड़की जो कोई बच्चा पैदा करती तो उसकी क्या हालत होती है, उसे संसार करने तक, आजकल तो फिर भी खैर लोग पर्दे डाल लेते हैं, लेकिन पहले जमाने में उनको संसार कर दिया जाता था। और मरियम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी, अपने कल्चर से वो वाकिफ थी, अपनी रवायात से वो वाकिफ थी कि यहूदी रवायत जो है वो क्या है, अगर खुदा ना हस्ता ऐसी कुछ बात हो जाती है तो ये लोग तो मार मार के मुझे संसार कर देंगे। उसने मौत को भी गवारा दिया, उसने कबूल किया कि मैं मरने को भी तैयार हूं लेकिन मेरी जिंदगी में मेरे खुदा की मर्जी पूरी हो, क्योंकि वो बचपन से खुदावन के साथ उसकी लगन थी। वो एक खास दर्शीजा थी, एक खास नौजवान लड़की थी, कोई आम लड़की नहीं थी, उसके ख्यालात पाक थे और खुदावन के साथ उसकी रिफाकत थी, और वो जानती थी अगर खुदावन ने मुझे इस काम के लिए चुना है तो आगे भी मेरी मदद खुद करेगा। सो हम यहाँ देखते हैं कि खुदावन का खास फजल मरियम पर हुआ, और उसके साथ ही उसके रिश्तेदार जो अलिश्मा है उस पर भी खास फजल हुआ। गो के हम सब जानते हैं कि अलिश्मा जो है वो भी बुढ़ापे की हालत में, और उसका हस्बैंड जो है, उसका शौहर जो है जकरिया काहिन, वो भी बूढ़ा है, और जब अपनी बारी पर कलाम में लिखा है कि वो हैकल में खिदमत के लिए जाता है, तो वहां पर भी फरिश्ता आया और उसने कहा कि तेरे बेटा होगा और तू इस तरह से उसका नाम यूहन्ना रखना। तो वो भी इस बात को लेके परेशान हो जाता है, वो कहते हैं ऐसे कैसे मुमकिन है, अब तो हम तो बूढ़े हैं, मेरी बीवी की तो ऐसी हालत थी, वो भी बुजुर्ग है, तो हमारी हालत नहीं कि हम औलाद को पैदा कर सके। लेकिन खुदावंद का खास फजल उन पे भी था, और उन लोगों अलिश्मा ने और जकरिया ने भी इस बात को कबूल किया, और उन्होंने खुदावंद के मंसूबे को आगे बढ़ाने में खुदावंद की रजा में राजी हुए। हम सब जानते हैं कि अलिश्मा के पास जब मरियम आती है तो वहां पे लिखे, मैं उन आयात को जरूर तलावत करना चाहूंगी, या लिखा है उन ही दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिश्मा को सलाम किया, और जो ही अलिश्मा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिश्मा रूहुल कुद से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का पेट, तेरे रहम का फल मुबारक है, और मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा, और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी।
अलिश्मा जो है उसको भी रूहुल कुद्स जो है वो सब कुछ सिखा रहा है। हालांकि उसको तो नहीं पता कि मरियम मेरी रिश्तेदार है, मेरी कजन है, मैं इसे बचपन से जानती हूँ, वो कैसी लेडी है, कैसी बच्ची है। लेकिन खुदावंद के पाक रूह ने उसे सिखाया कि ये कोई औरत आम औरत नहीं है, ये जो अभी तेरे पास आई है तेरी खबरगिरी के लिए आई है, तेरी खिदमत के लिए आई है, ये कोई आम औरत नहीं बल्कि ये तेरे नजात दहिंदा की माँ है। सो इसीलिए अलिश्मा ने ललकार कर कहा कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे पेट का जो फल है वो भी मुबारक है, और देख मुबारक है तू जो इन सारी बातों पर ईमान लाई है। उसको ये भी खुदा पाक रूह ने सिखाया है कि ये इन सारी बातों को मानती है कि नजात दहिंदा के हवाले से ये अपने हिस्से को अदा करेगी, जो ड्यूटी मैंने इसको सौंपी है वो पूरी करेगी, जो हिस्सा जो प्लान मैंने इसके लिए की रखा है वो इसको पूरा करेगी। मेरे अजीजों आज बहुत सारे ऐसे प्लान होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो खुदावंद हमारे लिए रखता है। क्या हम खुदावंद की मर्जी को उसके प्लान को पूरा करने में उसके साथ शामिल होते हैं? हम कभी कहते हैं कि खुदावंद जो तेरी मर्जी है वो हमारी जिंदगी में पूरी हो। लेकिन मेरे अजीजों हमें खुदावंद की मर्जी को जानने के लिए खास कान भी चाहिए। हम दुनियावी तौर पर शोरगुल में या बहुत सारी भीड़ में खुदावंद की आवाज को नहीं सुन पाते। इसके लिए चाहिए कि हम जिस तरह मरियम अकेली थी, जब फरिश्ता उसके पास आया तो वो अकेली थी, और जकरिया भी जब उसके पास फरिश्ता आया तो वो खुदा की हैकल में अकेला था, वो अपनी ड्यूटी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था जब फरिश्ता जो है उसके पास आया। तो आज क्या हम इस हालत में होते हैं कि हम खुदावंद की आवाज को सुन सके, हम उसकी तरफ अपने कानों को लगा सके? मेरे अजीजों अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद का फजल जो है, खास फजल आम नहीं, खास फजल अगर हम खुदावंद से लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो फिर हमें कुछ काम करने होंगे। बहुत सारे लेकिन दो तीन मैं कहूंगी क्योंकि वक्त नहीं है अभी इतना हमारे पास, तो दो तीन चीजें जो है वो मैं जरूर अपने लिए भी और आप सबसे भी करना चाहूंगी कि सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद का खास फजल हम पे हो तो हमें हलीम होना पड़ेगा, क्योंकि हलीम लोग जो है वो ही खुदावंद की फरमाबरदारी कर सकते हैं। जो अकड़बाज या जो मगरूर हैं, क्योंकि कलाम में लिखा कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, खुदावंद उनके हमेशा खिलाफ होता है। ये बात आज आप एक बार फिर नोट करें, क्योंकि पहले भी आपने कलाम में सुनी है, पढ़ी है, लेकिन आज एक बार फिर हम इसको यादगारी के तौर पर लेते हैं या रिविजन के तौर पर लेते हैं कि अगर हमें जरा सी भी मगरूरी पाई जाती तो खुदावंद का खास फसल कभी हम पे नहीं होगा। आम फसल तो है ही, खुदावंद हमें औलाद भी देगा, खुदावंद हमें रोजगार भी देगा, खुदावंद हमें अच्छी गाड़ियां भी देगा, सब कुछ होगा, लेकिन हो सकता है हम खुदावंद की रिफाकत से महरूम हों। क्योंकि मेरे अजीजों दौलत जो है वो ब्रिज के पास भी बहुत है और वो बड़ी फयाजी के साथ नवाजता है लोगों को। सो अगर हम चाहते हैं हम खुदावंद के फेवरेट हों, हम खुदावंद के पसंदीदा हों, हम खुदावंद की मर्जी को पूरा करें, तो फिर जरूर है कि हम हलीम हो जाए, हम फिरौतन हो जाए। क्योंकि मीका की किताब में लिखा है कि खुदावंद तुमसे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता कि तुम फिरौतन और हलीम हो, आजिज हो। तो हमें आजिज होना है। मैं समझती हूँ कि आजिज होना बहुत मुश्किल बात है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कोई एक बात करे तो हम चाहते हैं कि हम उसको 10 सुनाए, जब तक 10 नहीं सुनाएंगे तो हमें चैन नहीं आएगा। तो हलीम या आजिज होना कोई इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल टास्क है। इनके लिए कितना मुश्किल था, इनको अपनी जान की बुढ़ापे में औलाद पैदा करना भी कोई आसान नहीं है, इसमें भी जान भी जा सकती है, लेकिन इस बुजुर्ग औरत ने अपने आप को पेश किया। मुकद्दसा मरियम की जान भी जा सकती थी क्योंकि उस वक्त उसको नहीं पता था कि मेरी किस तौर पर हिफाजत की जाएगी, लेकिन उसने सिर्फ खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए अपने आप को पेश किया। वो हलीम हो गई, वो फिरौतन हो गई, वो फरमाबरदार हो गई। तो आज अगर हम चाहते हैं कि हम पे खुदावंद का खास फजल हो तो हमें हलीम और फिरौतन होना और खुदावंद के फरमाबरदार होना, क्योंकि अगर हम फरमाबरदार नहीं होते तो फिर मत सोचिए कि हम पर खास फसल होगा। इस दुनिया में तो शायद किसी ना किसी तौर पे हम अपनी जिंदगी को पूरा कर ही जाएंगे, लेकिन आगे चल के क्या होगा,
क्या हम सब जानते हैं कि अगला जहां जो है, कुछ लोग तो कहते हैं चलो जी ये जहां मिठा अगला किन्ने डिठा, तो अगला से किसी ने भी नहीं डिठा, लेकिन हम जो खुदावंद के लोग हैं हम सब जानते हैं कि खुदावंद हमें अगली दुनिया के बारे में क्या सिखाते हैं, या क्या हमें इस बाइबल में खुदावंद के कलाम में किस तरह से इसको पेश किया गया है। सो हमें ना सिर्फ इस दुनिया की फिक्र करनी है बल्कि आने वाली जिंदगी की भी हमें फिक्र करनी है, और इसके लिए जरूर है कि हम हलीम हों, हम फिरोतन हों, हम आजीज हों, और हम अपने खुदावंद खुदा के फर्मा बरदार हों, तो तब ही खुदावंद का खास फजल हम पे हो सकता है। खुदावंद हम सबको तौफीक दे कि हम सब ऐसे हो जाएं। आमीन।